एक औरत एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी है क्योंकि उसके पेट में बच्चा है जो उसे नहीं चाहिए। एक लड़का जो अपनी माँ के ना चाहने के बावजूद पैदा होता है और अपनी शामों में खूब तफरी करता है क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ बिजली नहीं आती, अंधेरा पसरता है और आते हैं किससे। एक नौजवान जिसका वक्त अक्सर एक पुस्तकालय में बीतता था और जिसने जब अपना पहला नाटक लिखा तो उस पुस्तकालय के उस पुस्तक भंडार के मालिक को दिया और मालिक का जवाब था, दासी का बयान खासा दिलचस्प था। ये कहानी दो चिट्ठियों की भी हो सकती है, एक चिट्ठी जो एक फैन ने एक मशहूर नाटककार को भेजी और बदले में झिड़की मिली, यूं चिट्ठियां लिखना बंद करो, और एक चिट्ठी जो एक नौजवान नौकरानी ने उस जवान को लिखी और माँ ने झिड़का, चिट्ठी क्यों रखी, ब्लैकमेल करना चाहते थे क्या। या फिर एक चिट्ठी जो सात समंदर पार अमेरिका में एक डॉक्टर को भेजी गई ये कहते हुए कि मुझे तुमसे इश्क है, और जवाब आया, इश्क तो ठीक है बरखुरदार, पर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा भी है क्या। और इस तरह से फिल्मों की तरफ उस कलाकार की रुखसती हुई, उसकी एंट्री हुई। या फिर कहानी एक बुजुर्ग की जिसकी नाक में नली लगी थी लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने सरोकारों को नहीं छोड़ा। ये गिरीश कर्नाट की कहानी है। उन्नीस के दौर की बात है, एक 20 साल की लड़की कृष्णा नाम था उसका, शादी कर दी गई। कृष्णा शादी नहीं चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। उस दौर का समाज, वैसे आज के भी दौर में ज्यादा चीजें बदली नहीं है, कई लड़कियों के लिए अभी भी अपने सपनों का पीछा करने की ख्वाहिश सपनों सरीखी होती है। बहरहाल ये कृष्णा की कहानी है। शादी हुई, जिससे शादी हुई वो बीमार था, उसे मलेरिया था, उसे एनीमिया था, वो 2 साल में गुजर गया। कृष्णा के नाम के आगे विधवा लग गया। अब कृष्णा है जो वैधव्य का जीवन जी रही है और उसकी गोद में एक 1 साल का बच्चा है। ससुराल वाले कृष्णा के पास आते हैं, हमें लगेगा कि सांत्वना देने आए, हमें लगेगा कि सहारा देने आए, लेकिन ससुराल वाले शादी में दिए गए जेवर वापस मांगने आए थे। कृष्णा के पास अब एक बच्चा था और गर्दन में एक सोने का नेकलेस जो उसके पिता ने दिया था। ससुराल वाला एक बार फिर आया, इस बार कुछ मांगने नहीं, देवर आया था, सखा भाव था, समानुभूति रखता था, सहानुभूति रखता था। उसने कृष्णा से कहा, अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, तुम्हारा बेटा भी है, कुछ करो। कृष्णा ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। देवर ने कहा, डॉक्टर बनने का तो नहीं पता, पर बेलगाम का एक डॉक्टर है, मेरा दोस्त है, तुम उसके साथ जाकर काम कर सकती हो, ट्रेनिंग ले सकती हो नर्स की, कुछ पैसा जुट जाए तब आगे की राह देखना। और इस तरह से कृष्णा बेलगाम पहुंची डॉक्टर रघुनाथ कर्नाट के पास। कृष्णा के पास रहने को जगह नहीं थी, रघुनाथ के पास कभी भी मरीज आ जाते थे, ऐसे में तय हुआ कि कृष्णा रघुनाथ के साथ रहेगी। तो क्या रघुनाथ के घर में कोई नहीं था, पत्नी थी, जैसे कृष्णा के पति बहुत बीमार थे वैसे ही रघुनाथ की पत्नी बहुत बीमार रहती थी। 5 बरस बीत गए, रघुनाथ की पत्नी गुजर गए, कृष्णा रहने लगी और रहने लगी अगल बगल की बस्तियों में बदनामी। लोगों को नागवार गुजरता है, एक आदमी और एक औरत इश्क में हैं और समाज की गढ़ी गई मान्यताओं को ठेंगा दिखा रहे हैं। फिर रघुनाथ और कृष्णा ने तय किया कि इस समाज का इतना लांछन क्यों झेलना, जब साथ है तो ब्याह कर ही लेते हैं। दोनों ने मुंबई जाकर शादी कर ली, शहर उस वक्त बॉम्बे कहलाता था। लेकिन शादी के पहले कृष्णा ने एक शर्त रखी कि हम वापस बेलगाम नहीं जाएंगे। तय हुआ, ट्रांसफर मिला डॉक्टर रघुनाथ कर्नाट को, अब वो बगलकोट चले गए। जिंदगी आगे बढ़ी, रघुनाथ और कृष्णा के 2 और बच्चे हुए, 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार।
और तभी एक रोज कृष्णा को फिर एहसास हुआ कि पेट में बच्चा है। कृष्णा इस चौथे बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रघुनाथ से बात की, संसाधनों का हवाला दिया और कहा कि ये चौथा बच्चा गैर जरूरी है, चलिए इसको गर्भपात करवा देते हैं, गिरवा देते हैं। दोनों लोग डॉक्टर गुणे के क्लिनिक में पहुंचे। उन्होंने समय ले रखा था, लेकिन डॉक्टर गुणे को अचानक बाहर जाना पड़ा। पूरे दिन इंतजार के बाद कृष्णा और रघुनाथ वापस आ गए। कुछ एक बार और गए, फिर लौटना पड़ा क्योंकि डॉक्टर गुणे व्यस्त थी। और तब तय हुआ कि अब मियाद बीत चुकी है, अब गर्भ गिरवाना दुरुस्त नहीं होगा। ऐसे में कृष्णा का चौथा और आखिरी बच्चा पैदा हुआ। तारीख थी 13 मई, कैलेंडर में बरस था 1939 का, और बच्चे का नाम रखा गया था गिरीश। साल आया 1945 का, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। एक जंग डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड भी लड़ रहे थे, रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उनकी जरूरतें थी। उन्होंने सरकार बहादुर से कहा एक्सटेंशन दे दीजिए। एक्सटेंशन मिला, लेकिन भर्ती पोस्टिंग ऐसी जगह मिली जिसको पनिशमेंट वाले कोष्ठक में डाला जाता है। जगह का नाम था सिरसी। ये उत्तरी कन्नड़ इलाके में, कर्नाटक के उत्तरी इलाके में जगह थी। घने जंगल, बिजली नहीं पहुंची, सड़कें बहुत दुरुस्त नहीं, लेकिन रघुनाथ को जरूरत थी, वो चले गए। और यहां से बुनियाद पड़ी रघुनाथ और कृष्णा के सबसे छोटे बेटे 6 साल के गिरीश की कल्पनाओं को। अवकाश क्यों मिला? क्योंकि सिरसी में तो बिजली नहीं आती थी, तो सब बाल गोपाल जुट जाते शाम को अपने अपने हिस्से की कहानियां सुनाते और फिर बुजुर्गों की कहानियां सुनते। एक जमाना था जब लोगों के पास इफरात में वक्त हुआ करता था, लोग हुआ करते थे, इत्मीनान हुआ करता था। उसी इत्मीनान के दौर की ये कहानी है। तब नाटक मंडलियां खूब घूमा करती थी महाराष्ट्र में और कर्नाटक के कई इलाकों में। ये नाटक मंडलियां जब सिरसी पहुंचती तो बाकी शहरों के चलन की तरह यहां के भी गणमान्य नागरिकों को मुफ्त टिकट भिजवाती। नाटक मंडलियों को लगता अच्छे लोग आएंगे, वीआईपी लोग आएंगे, तो देखा देखी में जनता भी आएगी और नाटक चलेगा। ये पास जब डॉक्टर रघुनाथ के घर पहुंचते तो वो तो व्यस्त रहते, लेकिन गिरीश कागज का वो टुकड़ा लेकर तंबू के बाहर कतार में लग जाते। और यहां से गिरीश के भीतर नाटकों का चाव पैदा हुआ। इसका दूसरा चरण यक्षगान से हुआ। अब भला ये यक्षगान क्या है? ये कर्नाटक की नाटक की बहुत ही समृद्ध परंपरा है, जिसमें संस्कृत का पुट है, जिसमें कुचिपुड़ी का पुट है, जिसमें संगीत है, जिसमें लय के साथ, गान के साथ, कविता के साथ कहानी कही जाती है। पर ये तो गिरीश की कहानी है जो अब अपने अगले पड़ाव, अगले अंक की तरफ जानी है। अंक जब गिरीश कॉलेज के गलियारों में घूमते हुए कविता लिखना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, पर उसके लिए तो वजीफा चाहिए और वजीफे के लिए गणित पढ़नी पड़ेगी और साथ में जिंदगी की बीज गणित भी है, जहां किसी चीज के बीज हैं कोई और गणित चल रही है। तो चलिए तीसरे अंक से पर्दा उठाते हैं। अब गिरीश बड़े हो गए थे, अब उन्हें दाखिला लेना था कॉलेज में। मन तो कन्नड़ और इतिहास पढ़ने का था, पर गणित भी पढ़नी पड़ी क्योंकि फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन करना था, क्योंकि परदेश जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। धारवाड़ के कर्नाटक कॉलेज में दाखिला हुआ और दोस्ती हुई अपने से 10-15 साल बड़े कीर्तिनाथ कुर्तकोटे से। ये 10-15 साल बड़े थे तो कॉलेज में क्या कर रहे थे कीर्तिनाथ बाबू? दरअसल इन्होंने ग्रेजुएशन तो 10 बरस पहले ही कर लिया था, लेकिन फिर आर्थिक दिक्कतों के चलते नौकरी करने चले गए। कुछ पैसा जुटाया, बचाया, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए वापस आ गए।
अब गिरीश थे और कीर्तिनाथ थे और संगत थी, साहित्य की बात थी, नाटक, सिनेमा, कविता, इन सब का जिक्र होता। और डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड, उनको लगता लड़का बर्बाद हो रहा है। लेकिन गिरीश अपनी राह पर आगे बढ़ते गए। कई दिलचस्प लोगों से मुलाकात हुई, मसलन दत्तात्रेय बेंद्रे, कन्नड़ के जाने माने कवि। गिरीश की दोपहरें अक्सर वहां बीतती और जब मुलाकात का वक्त बीतता तो दत्तात्रेय अपने बेटे से कहते, मराठी में साखर घेऊन ये, यानी चीनी लेकर आओ। गिरीश मुंह में चीनी भरते और अगले पड़ाव की तरफ चल देते। उन दिनों धारवाड़ में उस सड़क को माल रोड कहा जाता था, अब सुभाष रोड कहा जाता है। वहां किताबों की एक दुकान थी, बोर्ड टंगा था, लिखा था मनोहर ग्रंथमाला, और भीतर एक सज्जन बैठते थे जीबी जोशी नाम के। वहां स्टूडेंट्स की खूब भीड़ लगती, खूब चर्चा होती। गिरीश की जोशी जी से मित्रता हो गई। इन सब के बीच ग्रेजुएशन पूरा होता है। गिरीश कर्नाड अच्छे नंबरों से पास करते हैं और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए वजीफा भी पा लेते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। साल 1960 का है, वो जाने लगते हैं, पर जाने में अभी कुछ हफ्ते बाकी थे। एक रोज क्या हुआ गिरीश को, उन्हें लगा कि जैसे वो सिर्फ एक स्टेनोग्राफर भर हैं, सामने कुछ हो रहा है जिसके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, उन्हें लिखना भर है। ये गिरीश के पहले नाटक का पहला ड्राफ्ट था, नाटक जिसका शीर्षक था ययात। ये मिथकों से उपजी कहानी थी, ये चिर युवा रहने की कोशिशों का आख्यान था। गिरीश ने लिखा और पुलिंदा जीबी जोशी को सौंप दिया। दो रोज बाद दोनों की मुलाकात हुई। जोशी सिर्फ इतना बोले, वो जो दासी का मोनोलॉग लिखा वो खासा दिलचस्प था। गिरीश भूल गए, ऑक्सफोर्ड चले गए। दो बरस बीते, एक रोज कीर्तिनाथ की चिट्ठी आई, जी वही कॉलेज के बुजुर्ग दोस्त, बोले वो जो तुमने नाटक लिखा था उसको दोबारा से भेजो। गिरीश ने दराज से पुराना ड्राफ्ट निकाला, उसको फिर से दुरुस्त किया और कीर्तिनाथ को भेज दिया। इस नाटक के बारे में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में गिरीश कर्नाड ने खुद तफसील से बताया। क्या बोले थे गिरीश, मैं कविता लिखने की कोशिश करता लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाता, तो एक रोज मुझे नाटक लिखने की सूझी। ये अचानक से मेरे भीतर से बह निकला था। मुझे लग रहा था कि रंगमंच मेरे सामने खुला है, हर किरदार खुद ब खुद बोल रहा है, मैं महज एक स्टेनोग्राफर हूं जो किरदार के डायलॉग लिख रहा है। पूरी जिंदगी मैंने इतने नाटक लिखे लेकिन ययाति ये मेरा पहला नाटक, इसकी तरह कोई नाटक खुले रंगमंच सा मेरे सामने नहीं आया। ययाति मेरे भीतर से निकला था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस हिंदुस्तानी नौजवान की धूम थी, नाम गिरीश कर्नाड, और चहकने की वजह ऑक्सफोर्ड की सबसे प्रतिष्ठित डिबेटिंग सोसाइटी जिसका नाम ऑक्सफोर्ड यूनियन था, गिरीश उसका अध्यक्ष था। और इस शाम बतौर अध्यक्ष गिरीश ने उस नेता को निमंत्रित किया था जो कभी हिंदुस्तानियों को हिकारत की नजर से देखता था लेकिन बाद में जिसे अपने ख्याल बदलने पड़े। उस शाम डिबेटिंग सोसाइटी के मेहमान थे विंस्टन चर्चिल। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से परदेश में इंग्लैंड में ही रम गए थे गिरीश। खतों किताबत चलती रहती थी कॉलेज के जमाने के दोस्तों के साथ। कीर्तिनाथ का एक खत आया, फिर किताब आई। किताब आलोचना थी संस्कृति के बारे में, नाटकों के परिदृश्य के बारे में, कर्नाटक के। कीर्तिनाथ ने लिखा कि कैसे कन्नड़ थिएटर अंग्रेजी थिएटर की समता कर पाएगा, वहां कितना समृद्ध और ऐतिहासिक संदर्भों से भरा हुआ लेखन है, यहां कुछ भी नहीं। गिरीश को बात जम गई। उन्होंने नए सिरे से हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ना शुरू किया, मोहनजोदाड़ो से शुरुआत की, पढ़ते पढ़ते पहुंच गए मध्यकाल तक।
और अब जो अध्याय सामने था उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, एक राजा जिसे कोई खपती समझता, कोई दूरदर्शी, एक राजा जिसने कई फैसले लिए लेकिन उनके अमल में खासी हड़बड़ी दिखाई, एक राजा जो मुहावरा बन गया, एक राजा जिसका जिक्र चक दे इंडिया में भी आता है जब एक खिलाड़ी कहती है कोच कबीर खान को, तुगलक है ये। इस तुगलक के किरदार में गिरीश की इतनी दिलचस्पी हुई कि उन्होंने बर्नी और इब्ने बतूता से लेकर तमाम तात्कालिक संदर्भों का पाठ कर डाला। ये दूसरे नाटक की जमीन थी। गिरीश जब ऑक्सफर्ड से पढ़ाई करके वापस आए तो उनके हाथ में उनके सबसे कालजयी नाटक तुगलक का पहला ड्राफ्ट था। तुगलक की बहुत कहानियां हैं। कभी आप नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाएं तो एक बड़ी सी पेंटिंग देखें, पेंटिंग नहीं दरअसल तस्वीर देखें, जिसमें तुगलक का मंचन करते हुए कुछ कालजयी कलाकार आपको नजर आएंगे। आप तुगलक की समीक्षाएं पढ़ें जो कभी नेहरू के बारे में तंज बताई जाती थी, जो कभी इंदिरा की सरकार के ऊपर किया गया कटाक्ष बताई जाती थी और जिसे अब कोई कोई नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर किया गया करार बयान बताता है। साहित्य, कालजयी साहित्य ऐसा ही होता है। हर युग में अपना संदर्भ, हर युग में अपना महत्व बचाए रखता। अब मैं आपको दो चिट्ठियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। पहली चिट्ठी, थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, 17 साल के गिरीश ने लिखी। उन दिनों उन्हें स्केच बनाने का शौक था। वो अपने पसंदीदा नाटककारों के, कलाकारों के स्केच बनाते, उन्हें भेजते और दरख्वास्त करते, अगर आपको पसंद आए तो इस पर एक अपना ऑटोग्राफ देकर मुझे वापस कर दीजिए। ऐसा ही एक स्केच उन्होंने मशहूर आयरिश नाटककार शॉन ओकेसी को भेजा। शॉन का जवाब आया, उसमें दस्तखत नहीं थे, झिड़की थी कि इस तरह के कामों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, अगर ऑटोग्राफ का इतना ही शौक है तो अपनी हस्ती इतनी बुलंद करो कि दूसरे तुमसे ऑटोग्राफ मांगे। दूसरा खत गिरीश के ऑक्सफर्ड से लौटने के बाद का है, जो उन्होंने लिखा नहीं, उन्हें लिखा गया। किसने लिखा? उनके घर में खाना बनाने वाली नौकरानी ने। ये प्रेम पत्र था। गिरीश ने पढ़ा और उसे अपनी मेज की दराज में रख दिया। वो लौट कर कुछ घंटे के बाद जब आए और दराज खोली तो खत नहीं था। वो परेशान से पूरे घर में घूमने लगे। तभी सामने से माँ आती नजर आई। गिरीश ने चिट्ठी के बारे में पूछा। माँ ने कहा, हाँ मैंने वो चिट्ठी उठाई है। और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सब माओं को जरूर कहना चाहिए अपने सब बेटों से। क्या कहा कृष्णा ने? तुम उस लड़की के प्रेम पत्र के बारे में बात कर रहे हो ना? इस उम्र में लड़कियां किसी के भी इश्क में पड़ जाती हैं। कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। पर तुमने वो खत अपने पास क्यों संभाल कर रखा? कहीं तुम उसे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहते? अगर तुम वाकई प्रेम करते हो तो खत तुम्हारा है। अगर ये एक तरफा है तो खत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मुझे लगा कि तुम्हारा विकल्प दूसरा है और इसीलिए मैंने वो खत उसे लौटा दिया। मैंने क्यों कहा कि सबको ये खत पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां प्रेम का भरम देकर MMS बनाए जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीक किए जाते हैं, और ये सब होता है किन्हीं अंतरंग पलों को सार्वजनिक कर मिट्टी पलीत करने के इरादे से। ये महज गोपनीयता भंग करने का मामला नहीं है, ये किसी के विश्वास को, किसी के होने को, किसी के अस्तित्व को छरित करने की कोशिश है। इसलिए ये ज़रूरी है और अब ज़रूरी है कि हम गिरीश की कहानी को आगे बढ़ाएं। नाटक लिख रहे थे गिरीश, जगह जगह बात कर रहे थे गिरीश, कन्नड़ सिनेमा में काम कर रहे थे गिरीश, और इन सब के दौरान उन्हें प्रेम हो गया अमेरिका में रहने वाली एक डॉक्टर से, डॉक्टर सरस्वती गोपीनाथ से। शादी का इरादा हुआ,
गिरीश ने फिर एक चिट्ठी लिखी। उधर से जवाब आया, शादी तो ठीक है, प्रेम भी ठीक है, पर घर कैसे चलेगा, तुम्हारी कमाई तो दुरुस्त है ना। गिरीश ने ईमानदारी से जवाब लिखा कि मुझे लगा तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी आमदनी से घर चल जाएगा और मैं ये साहित्य संगीत कला इसकी दुनिया में रमा रहूंगा। सरस्वती का जवाब आया, मैंने भी यही सोच रखा था। अब गिरीश के सामने अजब मुसीबत। और तब उन्हें अपने पुराने दोस्त याद आए, इतने भी पुराने नहीं, कुछ ही बरस पुराने, जो नाटक की संगत में साथ आए थे, श्याम बेनेगल। गिरीश मुंबई पहुंच गए, हिंदी फिल्मों में काम करने लगे। 1975 में निशांत आए, खूब पुरस्कार और वाहवाही बटोरी, इसमें गिरीश थे। और अगले बरस आई मंथन, दुग्ध क्रांति पर आधारित ये कमाल की फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। और इसलिए भी कमाल की क्योंकि इसके प्रोड्यूसर 5 लाख किसान थे। और इन्होंने कितना पैसा दिया था फिल्म बनाने के लिए, हर किसान ने 2 रुपए दिए थे। क्राउड फंडिंग का कितना नायाब उदाहरण है ये। इसके बाद से गिरीश का सिनेमाई दौर शुरू हुआ, कई भाषाओं में उन्होंने लगातार काम किया, टीवी के लिए काम किया, फिल्मों के लिए काम किया। और ये काम कहाँ तक फैलता है, इसका आखिरी पड़ाव सबसे पॉपुलर रेफरेंस होता है सलमान खान की फिल्मों के साथ, टाइगर जिंदा है और 1 था टाइगर, जिसमें उन्होंने डॉक्टर शेनॉय का किरदार किया, रॉ के चीफ का किरदार किया। लेकिन गिरीश की कहानी सिर्फ नाटकों तक, रुपहले पर्दे तक, मंच तक या मशहूर होने तक सीमित नहीं है। गिरीश सबसे पहले साहित्यकार थे और उनकी उपलब्धियों को सबसे बड़ा सम्मान 1998 में मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार के मिलने के बाद का एक इंटरव्यू है जिसमें गिरीश जो कहते हैं वो हमें गौर से सुनना चाहिए। सवाल राजनीतिक रुझान से जुड़ा था और जवाब था, मुझे जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की पहचान इस देश ने दी, मुझे लगता है इस देश के प्रति मेरा भी उत्तरदायित्व है। मैं खास किस्म की राजनीति और खास किस्म के मुद्दों को लेकर बहुत सक्रिय हूँ, खास तौर पर सांप्रदायिक राजनीति का मैंने भरसक विरोध किया। इसके चलते मेरे घर पर पत्थर फेंके गए, गुंडों ने मुझे धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस होता है कि सेकुलरिज्म हमारी सबसे महान विरासत है, हमारी विविधता, और उस विविधता को सेलिब्रेट करने की हमारी प्रवृत्ति, और हमें इसके लिए लड़ना होगा। बदकिस्मती से पिछले 10-15 सालों में ये कमज़ोर हुआ है। देश में कुछ ताकतें हैं जो इसे खत्म करके इस देश को खतरनाक जगह में तब्दील करने में लगी हैं। आप गिरीश के राजनीतिक बयान से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कलाकार की चिंताएं हैं उसके अपने नज़रिए के तहत। एक कलाकार जो राजनीतिक टिप्पणियों से आज के ज़्यादातर कलाकारों की तरह परहेज नहीं करता था, जो अपनी सुविधाओं के लिए चुनी हुई चुप्पियों के अंधेरे में नहीं रहता था। और इसीलिए जब 2018 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की पहली बरसी आती है, तो गिरीश कर्नाड बेहद बीमार होने के बावजूद हाथ में तख्ती लिए नजर आते हैं, जिस पर लिखा था मी टू अर्बन नक्सल। इसके 1-1.5 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र की पुलिस ने कई लोगों को नक्सल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी दुरुस्त नहीं है। पर एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, गौरी लंकेश के कत्ल की जब SIT जांच कर रही थी, तो जिन लोगों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, जो अभी पुलिस की घेरे में हैं, जो जेल में हैं, उनके पास से एक डायरी बरामद हुई। ये एक किस्म की हिटलिस्ट थी, एक किस्म की सूची थी, और इसमें गौरी लंकेश का नाम 2 नंबर पर था। पहले नंबर पर नाम था गिरीश कर्नाड का। तो अभिव्यक्ति की आजादी के सब खतरे उठाने के बावजूद गिरीश आखिरी दम तक सक्रिय रहे, फिल्में की, समाज को बेहतर बनाने की अपने तई कोशिश की। और इसीलिए जब वो गुजरे तो उनके मुखर राजनीतिक विरोधी, यदि सीधे सपाट आख्यान की बात करें, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ये गिरीश कर्नाड की कहानी है जिसने जिंदगी भरपूर की। अगर आपकी उनकी जिंदगी में दिलचस्पी है तो उनकी फिल्में खोज कर देखिए, उनके नाटक पढ़िए। ययाति, तुगलक, हायवदन एक लंबी सीरीज है, और यही सबसे दुरुस्त कोशिश होती है
किसी की याद को याद रखने की। ललन टॉप का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ललन टॉप की पेशकश, किस्सा गोई हो या दूसरे तरीके हो, रिपोर्टिंग हो, ललन टॉप शो हो, पसंद आता हो तो हमारे साथ इस कारवां में जुड़िए, दरेरा दीजिए, प्यार करिए पर अपनत्व के साथ। ललन टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप आ गई है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले सारे किस्से सारी खबरें उसी पर अपलोड होती हैं। शुक्रिया।